हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक अजमेर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। बलरामपुरी को हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चली आ रही वित्तीय समस्याओं के समाधान निकालने का आश्वासन दिया। बैठक में हमीरपुर जिला से भी बलदेव धीमान को हिमाचल परिवहन निगम का निदेशक हिमाचल सरकार द्वारा नियुक्त करने पर आभार प्रकट किया। अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, साथ ही साथ बलदेव धीमान को निदेशक बनने के उपलक्ष्य पर बधाई दी और कहा कि समस्त कर्मचारियों को आशा है कि वह उनकी आर्थिक समस्याओं का समय समय पर समाधान निकालेंगे। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोर्ट से सभी वित्तीय लाभों की अदायगी के आदेश पारित हुए हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा अभी तक अदायगी नहीं की गई है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित समस्याओं के स्थायी समाधान की आस बंधी है, जो कि लंबे समय से चली आ रही है। बैठक में बलरामपुरी व बलदेव धीमान को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें पेंशन के स्थायी समाधान के लिए अपने जो जितने भी ड्यूज हैं, जैसे डीए है और कई वित्तीय लाभ हमारे हैं या रिटायरी कर्मचारियों को अपने वित्तीय लाभ नहीं समय पर मिल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की जाती है और आज भी उस पर चर्चा की गई। और सबसे पहले हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष श्री बलरामपुरी जी हैं नगरोटा बगवा से, जिन्होंने पूर्व मंत्री जी एस बाली को वहाँ पर रहते हुए एचआरटीसी के सेवा कर्मचारियों के द्वारा मिलकर जो टक्कर भी है और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया है, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निदेशक जो नियुक्त किया गया है, उस पर हमें उनको हम लोग यहाँ से मीरपुर का ही सारी जो है उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बने हैं। दूसरा कि जैसे श्री बलदेव धीमान जी हमीरपुर जिला से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निदेशक चुने गए हैं, उनको भी हम यहाँ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इससे हमें कुछ आस जगी है कि जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देश बनाए गए हैं, तो वो हमारी मांग को पुरजोर से उठाएंगे, क्योंकि वो भी एचआरडीसी से सेवानिवृत्त हुए हैं और हमीरपुर से भी बलदेव जी से हमें पूरी आस है कि वो हमारी मांग को पेंशन के स्थायी हल करने के लिए इस मांग को उठाएंगे। व ये जो है पहली बार तबाह हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो सेवानिवृत्त कर्मचारी एचआरडीसी का है उनमें से किसी को लिया है। आज तक किसी भी सरकार ने जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं लिया है, क्योंकि जो एचआरडीसी से रिटायर हुआ कर्मचारी है उसे पूरा पता है कि निगम को कैसे चलाना है, कैसे इसका रख रखाव करना है, कैसे कर्मचारियों की क्या समस्या है या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की क्या समस्या है। इससे हमें आज जगी है कि हमारे जितने भी ड्यूज हैं वो जल्द ही मिलेंगे और पेंशन का स्थायी समाधान करने की भी जो है आस हमें जगी है कि सरकार तत्पर है और ये कुछ ना कुछ हमारी पेंशन का स्थायी समाधान करेंगे। ये आज चर्चा हुई और इसके बारे में सभी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जितने भी यहाँ बैठक में आए थे उनसे सुझाव लिए गए और उन्होंने सब ने हमने ये फैसला किया है कि कुछ दिनों में, जैसे 10-15 दिन में हमें पुरी जी और धीमान जी समय देते हैं, उनसे समय लेंगे तो उनको हमीरपुर में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, पुरजोर से उनका स्वागत किया जाएगा, लड्डू बांटे जाएंगे और उन्हें टोपी शाल बनाकर जो सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद।